नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा एक तस्वीर दिखा देते हैं। इस तस्वीर को कौन भला भूल सकता है। तस्वीर 20 मई 2014 की है। भारत के संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास के पन्नों को पलटिए तो भी ऐसी तस्वीर कभी नहीं मिलेगी, जब कोई शख्स इस देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले संसद की सीढ़ियों को अपने माथे से लगा ले और इस बात का एहसास न सिर्फ देश में बल्कि समूची दुनिया में नहीं हो सकता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उनकी सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले वहां नमन करने की जरूरत है। लेकिन उसी शख्स के शासनकाल के वक्त इस देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़े, संसद उन मर्यादाओं को भूल जाए जो किसी संविधान से गुती हुई होती है और इस बात का एहसास इस देश में लोगों को होने लगे, प्रतिपक्ष के नेताओं के जरिए होने लगे, या फिर जो मुद्दे इस देश में रेंग रहे हैं उस देश के सामने जो भी एक व्यक्ति बन रही है स्थिति, वो सारी चीजों पर अगर लगाम लगा दी जाए तो फिर भी आवाज सिर्फ संसद के भीतर से एक ही सुनाई देगी और वो आवाज उसकी होगी जिसकी बहुमत होगी, उसी का चेहरा उसी की आवाज बाहर जाएगी। यानी संसद के भीतर या शोर हो या संसद के समानांतर विपक्षी नेताओं की बैठक हो, कोई मायने नहीं रखेगी। इस देश में पहली बार शायद आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट की जासूसी करने की हिम्मत शायद किसी ने नहीं की होगी। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों के जासूसी कभी किसी ने नहीं की होगी। सीबीआई का पद छोड़ा और अगले दिन से जासूसी होने लगी। ईडी का पद छोड़ा और अगले दिन से जासूसी होने लगी। रॉ का पद छोड़ा, अगले दिन से जासूसी होने लगी। यानी इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थान जो शायद संविधान के तहत इस देश की संसद से चेकिंग बैलेंस बनाते हैं, इस देश की सत्ता को लेकर एक चेकिंग एंड बैलेंस बनाते हैं, वो सारे मुद्दे जो भी उठे उसे दरकिनार कर दिया गया हो और कोई आवाज या कोई जांच या कोई निगरानी कोई भी संवैधानिक संस्था कर ना सके। इसके लिए जासूसी इस देश में हुई और उसकी आवाज संसद के भीतर ही नहीं उठेगी। इस देश में इससे पहले कभी भी 7 महीने तक किसानों ने आंदोलन नहीं किया, लेकिन किसान जिसमें मुद्दे पर आंदोलन करें उनकी आवाज संसद के भीतर सत्ता के जरिए आपको सुनाई नहीं देती। इस देश के भीतर में इससे पहले घोटालों की गूंज हुई है, स्कैम की गूंज हुई है और तो हथियारों के रक्षा सौदों को लेकर भी गूंज खूब हुई है, लेकिन ये भी पहली बार है कि जासूसी भी उसी शख्स की होती है जो रक्षा सौदों से जुड़ा हुआ हो और जासूसी करने वाला शख्स भी वही है जिससे रक्षा सौदे किए हो और इसकी गूंज भी आपको संसद के अंदर सुनाई नहीं देगी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि इस देश के भीतर में हर वो आवाज जो संसद में से पहले गूंजती थी अगर सत्ता चाहे तो उस पर नकेल कसी जा सकती है। जब इस देश में दो राज्यों की सीमा पर खूनी हिंसक झड़प हो गई पर संसद के भीतर एक आवाज सुनाई नहीं दी, इस देश के गृह मंत्री ने संसद के भीतर आकर अपनी बात अपनी सफाई में कोई शब्द रखने की जरूरत ही महसूस नहीं की, तो क्या फिर एक ऐसा वक्त आ गया है कि जब तक विपक्ष को सोचना पड़ेगा इस देश के भीतर में संसद भवन सहित और कोई दूसरा भवन किराए पर ले लिया जाए और वही विपक्ष अपनी मंत्रणा करे, मुद्दों को उठाए, चर्चा करे, इस देश को आगाह करे। इस देश की जो परिस्थिति सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हो चली है उसकी जानकारी को संसद के इतर किसी दूसरे भवन में बैठ जाए। आज इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि जब संसद के भीतर शोर था, हंगामा था, सिर्फ सत्ता का था, वो दिखाई देने के लिए विपक्ष के शोर को दबाया जाता है और दूसरी तरफ विपक्ष दूसरे कमरे में बैठकर अपनी मंत्रण कर रहा था और इस बात का एहसास सत्ता का को कराना चाह रहा था। साथ ही आने वाले वक्त में इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जासूसी के मसले को आपको भी उठाना होगा। इसी संसद के भीतर जांच बिठानी होगी और इसी संसद के भीतर लोगों से जुड़े मुद्दों पर आप नकेल नहीं कर सकते। पहले देखिए विपक्ष के इस बैठक का नजारा जिसमें 27 सांसद पहुंचे थे। विपक्षी दलों के हर दलों का कोई ना कोई नुमाइंदा वहां मौजूद था, जब छोड़कर बीएसपी नहीं थी, टीएमसी नहीं थी। ये रिपोर्ट देखिए।
मुद्दा पेगासस जासूसी का था तो संसद में हंगामा भी जोरदार रहा। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पेगासस जासूसी मामले को लेकर चर्चा से भागने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक सरकार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक संसद में गतिरोध खत्म नहीं होगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी में ये भी कह दिया था कि सरकार को सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए और पेगासस जासूसी प्रकरण पर चर्चा के लिए तैयार होकर इस गतिरोध को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने पेगासस और किसानों का मुद्दा उठाया, सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पेगासस मामले की जांच हो और जो कुछ हो वो सामने आए। खड़गे ने सवाल किया, फ्रांस, हंगरी, जर्मनी और कई अन्य देशों में इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन समझ नहीं आता कि हमारी सरकार जांच के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही है। क्या ये सरकार खुद जासूसी कर रही है या फिर कोई और है? उन्होंने आरोप लगाया, मोदी जी इसी मुद्दे का लोकतांत्रिक ढंग से समाधान करने को तैयार नहीं है, ये तानाशाही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि संसद में गतिरोध खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार विपक्ष को सुनने को तैयार नहीं है। इस सरकार ने ऐसा काम किया है जिससे लोकतंत्र और संसद की गरिमा गिरी है। उन्होंने दावा किया कि संसद सिर्फ विधायी एजेंडा के लिए नहीं है, सरकार ये बोलकर देश को गुमराह कर रही है कि वो विपक्ष से बात करना चाहती है। विपक्ष को सदन के भीतर ब्लैकआउट किया जा रहा है। अगर सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो चर्चाएं कराइए। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा, किसने पेगासस की खरीद का आदेश दिया इसका खुलासा होना चाहिए। हम इसलिए चर्चा की मांग कर रहे हैं, सरकार चर्चा से भाग रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, द्रमुक के तिरुचि शिवा, भाकपा के विनय विश्रम और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी पेगासस मामले पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की। रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। संसद की चौकट पर जब हंगामा होता है तो शोर दूर दूर तक दिखाई देता है और आज देश में ये आम हो गया है कि संसद अगर चलेगी तो हंगामा जरूर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। ये संसद का शोर है या विपक्ष का जोर है? पेगासस जासूसी विवाद सहित कुछ अन्य मुद्दों को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही रुक दी गई। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने कार्रवाई के दौरान कुछ कागज फाड़ डाले और उसके टुकड़ों को हवा में लहरा दिया। ये सब उस वक्त हुआ जब सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारतीयों की जासूसी करने संबंधित खबरों और इस मामले में विपक्ष के आरोपों पर सदन में बयान दे रहे थे। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, उपसभापति हरिवंश ने बयान देने के लिए वैष्णव का नाम पुकारा। इसी समय तृणमूल कांग्रेस के और कुछ विपक्षी दल के सदस्य आसन के करीब आ गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और संभावित मंत्री के बयान के प्रति फाड़ कर उसके टुकड़ों को हवा में लहरा दिया। केंद्रीय मंत्री वैष्णव हंगामे और शोरगुल की वजह से अपना बयान पूरा नहीं कर सके, लिहाजा उन्होंने इसे सदन के पटल पर रख दिया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से असंसदीय व्यवहार न करने का अनुरोध किया, लेकिन जब उनकी एक न सुनी गई तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले भी विपक्षी दलों ने कई मुद्दों पर संसद में हंगामा किया था जिसके चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने पेगासस जासूसी विवाद सहित कुछ अन्य मुद्दों पर सदन में नारेबाजी की। अलग कारण राज्यसभा की अलग मुद्दों पर कई दलों के सदस्यों के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं गुरुवार को 2 बार के स्थगन के बाद पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारतीयों की जासूसी करने के संबंधी खबरों को सरकार ने पहले ही सिरे से खारिज कर दिया है। वैष्णव ने पिछले दिनों लोकसभा में कहा था कि संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले लगाए गए ये आरोप भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का प्रयास है।
इससे पहले दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल के लिए सदस्य का नाम पुकारा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के सवाल के लिए है और सवाल जवाब सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप अपने अपने स्थान पर जाएं। इसके बाद भी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन में पटल पर रखवाए। इसी दौरान कांग्रेस सदस्य दिग्विजय सिंह ने मीडिया समूह के कई परिसरों पर आयकर विभाग के छापे का मुद्दा उठाने का भी प्रयास किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस सदस्यों ने कथित जासूसी से जुड़ा मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए आसन की अनुमति की जरूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए अब बात जरा पंजाब की भी कर ही लेते हैं। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन कितना दमदार होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब कांग्रेस में छिड़े घमासान के बीच सिद्धू को पार्टी का मुख्य बना तो दिया गया, लेकिन अब सवाल तो ये उठेगा ही कि क्या कांग्रेस कैप्टन को पूरी तरह साइडलाइन करने के मूड में है, क्या आने वाले वक्त में सिद्धू को सीएम बनाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। सात महीने बाद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें पंजाब भी एक राज्य है। यूपी के साथ इस राज्य पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं और चुनाव से ठीक पहले सत्ता पर काबिज कांग्रेस में जो कलह मची हुई है, उसने सबके दिलचस्पी इस सूबे की सियासत में और बढ़ा दी है। हालांकि कैप्टन बनाम गुरु की जंग में सिद्धू ने भले ही बाजी मार ली हो, लेकिन सियासत के पुराने खिलाड़ी कैप्टन की अगली चाल का सबको इंतजार है। सत्ता से बाहर अकाली और बीजेपी की राहें इस बार जुदा हैं। चलिए अब जरा आपको ये समझाते हैं कि इस बार के पंजाब का सियासी समीकरण है क्या और कौन पंजाब का आखिरकार किंग बनेगा। वाकई कैप्टन और सिद्धू में सुलह हो गई। पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचे थे और दोनों की मुलाकात भी हुई। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब होने ठीकल है और कैप्टन सिद्धू दोनों को साधने में कामयाब रही है, लेकिन सवाल है कि घर में मची कलह के बाद क्या संगठन और सरकार के बीच तालमेल बन पाएगा। डैमेज कंट्रोल के बाद आगे चुनाव में कांग्रेस की राह क्या होगी, क्या कैप्टन अपमान का घूंट पीकर यूं ही शांत रह जाएंगे। दरअसल जो लोग कैप्टन को जानते हैं उनके मुताबिक कैप्टन फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर हैं। कैप्टन खामोश रहकर सिद्धू के एक्सपोज होने का इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन इंतजार करेंगे कि अगले साल के शुरुआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले ही सिद्धू की कमियां उजागर हो जाएं और आलाकमान फिर उन्हें कमान सौंप दे। भले ही एक मंच पर सिद्धू और कैप्टन को लाकर कांग्रेस ने ये मैसेज देने की कोशिश की हो कि ऑल इज वेल, लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच लंबी जंग चली, संगठन में दरार तो पड़ गई है। वहीं सिद्धू कैप्टन विवाद में कांग्रेस काफी हद तक दो फाड़ में पड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने कैप्टन को भरोसा दिलाया है कि सिद्धू सरकार या मंत्रिमंडल में दखल नहीं देंगे और सिर्फ पार्टी संगठन का काम ही देखेंगे। ऐसे में अगर सिद्धू ने सरकार के कामकाज में दखल देने की कोशिश की तो कैप्टन को मौका मिल जाएगा। कहते हैं ना कि राजनीति में हवा अपने पक्ष में ना हो तो सारे फैसले झक मार कर मानने ही पड़ते हैं और अपने सही समय आने का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में देखना होगा कि कैप्टन का अगला कदम क्या होगा। सिद्धू ने 6 साल पुराने कैप्टन के ही दाव से दी मात। याद कीजिए साल 2015, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई विधायकों का समर्थन लेकर कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाया था और प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटवा कर पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ठीक वही किया है।
आलाकमान से सिद्धू को हरी झंडी मिलने के बाद विधायकों और संभावित उम्मीदवारों को ये लगता है कि सिद्धू उन्हें 2022 के विधानसभा चुनावों में अपनी सीट जीतने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि जो कल तक कैप्टन को सलाम किया करते थे, आज वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मिलकर ताली ठोक रहे हैं। 6 साल पहले भी ठीक यही हुआ था। 2015 में विधायकों का मानना था कि उन्हें जीत की ओर अमरिंदर सिंह ही ले जा सकते हैं, न कि बाजवा। अमरिंदर को पार्टी विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से इतना समर्थन मिला कि बाजवा अलग थलग पड़ गए और आलाकमान को उन्हें बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। करीब 7 महीने बाद पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। एक बड़ा सवाल पंजाब की सियासी फिजा में घूम रहा है कि जो सिद्धू सत्ता पर काबिज, अपनी ही सरकार की जमकर बदनामी कर चुके हैं, क्या वो जनता के सामने उसका गुणगान किस मुंह से कर पाएंगे। कैप्टन अमरिंदर को बिजली और ड्रग्स जैसे मुद्दों पर घेरने वाले सिद्धू अब अपनी पार्टी की सरकार के मुखिया को लोगों के सामने कैसे पेश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनाव में पार्टी की जीत के लिए सिद्धू जब वोट मांगने जाएंगे तो उन्हें अमरिंदर सरकार के कामकाज की तारीफ करनी ही होगी। अब सवाल है कि सिद्धू और कैप्टन के रिश्तों की खटास क्या दूर हो गई है, और ऐसे में अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उसी पार्टी के मुख्यमंत्री के बीच ही तालमेल नहीं होगा तो चुनाव में कांग्रेस कैसे मजबूती से लड़ पाएगी। गठबंधन के बाद सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि इस बार एक एक दो नहीं बल्कि होगा 11। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हम 25 साल तक अलग रहे। 1996 में हमने क्लीन स्वीप दर्ज किया था और इस बार हम इसे दोहराएंगे। पंजाब में बीएसपी की ताकत पर नजर डालें तो दोआबा इलाके में पार्टी का ठीक ठाक असर है। होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और नवांशहर इसी इलाके में आते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस साल फरवरी में हुए नगर निकाय चुनाव के दौरान यहां अच्छी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इन नगर निगमों में पार्टी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। 32% दलित वोट किस तरफ जाएगा? 2017 की तरह इस बार भी सिंह इज किंग बन पाएंगे क्या कैप्टन? अपनी पार्टी में भले ही इस बार कैप्टन की ना चली हो, लेकिन इसी कैप्टन ने कांग्रेस को 5 साल पहले जब पंजाब में सत्ता दिलाई थी, जब यूपी समेत कई राज्यों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा था, और उस वक्त कैप्टन अपनी पार्टी और पंजाब में सिंह इज किंग बनकर उभरे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के उभार के बीच बड़ी जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने कैप्टन के नेतृत्व में 117 सीटें पर चुनाव लड़ते हुए 77 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। पार्टी को 38.5% वोट हासिल हुए थे। संगठन के दिग्गज खासकर पार्टी प्रधानों से हमेशा से ही कैप्टन का 36 का आंकड़ा रहा है, और बावजूद इसके 40 साल के अपने राजनीतिक सफर में पहले भी वो कई मुश्किल दौर से उभर चुके हैं। लेकिन क्या इस बार कैप्टन पंजाब में दूसरी पारी खेल पाएंगे? क्या इस बार भी 2017 वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे? ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। संगठन में बदलाव के जरिए कांग्रेस का जाति कार्ड स्क्रॉल। सिद्धू कैप्टन विवाद में सुलह का रास्ता निकालने के साथ कांग्रेस ने पंजाब के जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, और पार्टी ने जिन 4 नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है उनमें कुलजीत नागरा, सुखविंदर सिंह डेनी, संगत सिंह और पवन गोयल शामिल हैं। कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति करते हुए जाति और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। सुखविंदर सिंह डेनी माझा क्षेत्र से आने वाले दलित नेता हैं। पंजाब में दलित वोटर्स की अच्छी खासी संख्या होने के चलते सुखविंदर सिंह डेनी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही संगत सिंह गलजिया पंजाब के 2 आवास क्षेत्र के पिछड़े समुदाय से आते हैं। वो पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक भी लगा चुके हैं। पंजाब के मालवा क्षेत्र से आने वाले कुलजीत सिंह नागरा जाट सिख हैं, तो वही पवन गोयल भी मालवा क्षेत्र से आते हैं। अकाली और बीएसपी की काट के लिए कांग्रेस ने ये जाति काट खेलकर हिंदू के साथ साथ दलित और पिछड़े वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। 2022 में हिंदू दलित वोट पर फोकस क्यों? पंजाब में इस बार दलित हिंदू वोट बैंक सियासत का केंद्र बिंदु बनता नजर आ रहा है। सभी दल सत्ता के ध्रुवीकरण की जुगत में हैं। अभी तक यहां शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस दोनों राज्य की कुल आबादी में 19% का हिस्सा रखने वाले
जट सिखों पर ही दाब लगाते रहे, मगर इस बार भी सबकी नजर 70% दलित हिंदू वोट बैंक पर है, जिनके राजनीतिक नसीब में कभी सीएम की कुर्सी नहीं रही। अकाली दल का हिंदू और दलित डिप्टी सीएम का फॉर्मूला सूबे में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने के सपने को तोड़ सकता है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल ने बड़ा सियासी दांव चलते हुए ऐलान कर दिया है कि पंजाब में एसएडी सरकार बनी तो दो डिप्टी सीएम होंगे, एक हिंदू तो दूसरा दलित। तो वहीं दलितों और हिंदुओं को पंजाब की सियासत में तरजीह मिलने का दोष बीजेपी अकाली दल और कांग्रेस पर मरती है, और इससे 32% दलित वोट को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने अकालियों के अलग होते ही दलित सीएम बनाने का दाव खेल दिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी सत्ता में आती है तो राज्य के लिए एक दलित मुख्यमंत्री होगा। अकाली दल के दलित डिप्टी सीएम के दावे पर बीजेपी मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर एसएडी का एक दलित को डिप्टी सीएम बना सकती है तो सीएम क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। 25 साल बाद आखिर अकाली बीएसपी साथ क्यों आए? सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब के सियासी फलक पर इस बार 25 साल बाद अकाली और बीएसपी एक साथ मिलकर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन में बीएसपी 20 और अकाली 97 सीटों पर लड़ेगी। इससे पहले 1996 में जब बीएसपी अकाली साथ थे तो लोकसभा की 13 में से 11 सीटों पर कब्जा कर लिया था। गठबंधन के बाद सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि इस बार एक एक दो नहीं बल्कि होगा 11। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हम 25 साल तक अलग रहे। 1996 में हमने क्लीन स्वीप दर्ज किया था और इस बार हम इसे दोहराएंगे। पंजाब में बीएसपी की ताकत पर नजर डालें तो दोआबा इलाके में पार्टी का ठीक ठाक असर है। होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और नवांशहर इसी इलाके में आते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस साल फरवरी में हुए नगर निकाय चुनाव के दौरान यहां अच्छी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इन नगर निगमों में पार्टी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। 32% दलित वोट किस तरफ जाएगा? देश में सबसे ज्यादा 32% दलित आबादी पंजाब में रहती है, जो राजनीतिक दशा और दिशा बदलने की पूरी ताकत रखती है। यूपी में दलितों के बीच मजबूत पैर रखने वाली बीएसपी के संस्थापक काशीराम पंजाब के होशियारपुर से आते हैं। आज की तारीख में अकाली दल और बीएसपी की दोस्ती को सियासत में एक नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या दलित वोट बैंक सीधे एक मुश्त एक तरफ मुड़ पाएगा, क्योंकि पंजाब का ये वर्ग पूरी तरह कभी भी किसी भी पार्टी के साथ नहीं रहा है। दलित वोट आमतौर पर कांग्रेस और अकाली के बीच बढ़ता रहा है। हालांकि बीएसपी ने इसमें सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कभी एक तरफा समर्थन नहीं मिला। वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब में दलित वोटों को साधने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन बहुत हिस्सा उसके साथ नहीं गया। दरअसल पंजाब में जाति का उभार यूपी की तरह नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि सिख धर्म में जाति आधारित समाज नहीं रहा है। यहां दलितों में वाल्मीकि, रविदासी, कबीरपंथी और मजहबी सिख जैसे टुकड़ों में बटे समुदाय हैं। इनमें से कुछ तबके कांग्रेस की तरफ तो कुछ अकाली के खेमे में रखे हैं। ऐसे में यहां दलित कभी वोट बैंक नहीं बन पाया। अब 2022 के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि क्या दलित समुदाय अकाली दल के पक्ष में गोलबंद हो पाता है या नहीं। अकेले दम पर क्या पंजाब में कमल खिला पाएगी बीजेपी? अकाली दल ने एनडीए से अलग हो जाने के बाद पंजाब में 2022 की जंग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एकला चलो की नीति अपना ली है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का दावा है कि वो सभी सीटों पर मैदान पर उतरेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। बीजेपी पंजाब में इससे पहले अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध के चलते उसने केंद्र के समर्थन वापस ले लिया और इस बार वो बीएसपी के साथ चुनाव लड़ रही है। 1997 के बाद पहली बार बीजेपी पंजाब में अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर रही है। 1997 से लेकर अभी तक पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के बीच लोकसभा और विधानसभा सीटों में बंटवारे के लिए अंडरस्टैंडिंग चली आ रही थी, जिसके मुताबिक राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी लड़ती थी, 10 पर अकाली, तो वहीं विधानसभा की 117 सीटों में से 23 पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारती थी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अकाली दल बीजेपी गठबंधन से 10 साल बाद सत्ता छीन ली थी।
विरोधी जहां किसान आंदोलन से बीजेपी को नुकसान की बात कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और केंद्र सरकार के कामकाज को आगे कर रही सारी रणनीति बनाती रही है। कुल मिलाकर पंजाब की सियासत में इस बार सियासी दलों का राजनीतिक समीकरण काफी बदल चुका है। अपने पराये हो गए और पराये अपने हो गए। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी यहाँ अकेले दम पर कमल खिला पाएगी, या अकाली बीएसपी का सियासी प्रयोग सफल होगा, या फिर कांग्रेस सत्ता पर फिर पंजा जमाने में कामयाब रहेगी। इसका जवाब सभी को 2022 में मिल जाएगा। न्यूज वर्ल्ड इंडिया। क्योंकि अब बात राजनीति की हो रही है, तो जरा एक बार फिर से यूपी की बात भी कर ही लेते हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूपी के सांसदों की बैठक दिल्ली में चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बीते विधानसभा चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसीलिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी सांसदों को आशीर्वाद यात्रा निकालने और इसके तहत अपने संसदीय क्षेत्र के एक एक गांव तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। राज्य के ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर 2017 में मिली जीत से भी बड़ी लकीर खींचनी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रभारी राधामोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी भाजपा ने 2017 की जीत से भी बड़ी जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें पश्चिम, पूरब और ब्रज के तमाम सांसद, राज्यसभा सांसदों को शामिल किया गया। हालांकि इस मीटिंग में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने सभी को निर्देशित किया कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, एक एक गांव तक पहुंचे और भाजपा की योजनाओं को बताएं, भाजपा के बारे में बताएं। बाकायदा आशीर्वाद यात्रा के तहत इस काम को किया जाए। हालांकि जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ी जीत का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, बड़ी जीत यहां पर उसकी लकीर खींची जाएगी और सभी लोगों को एक्टिव करने की बात कही गई। हालांकि भाजपा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बढ़ा हुआ है और उसी के चलते 2017 की जीत से भी बड़ी जीत का दावा यहाँ पर भाजपा पेश कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए ऑपोजिट की, तो विपक्ष की पार्टियों ने भी पूरी कमर कस ली है, जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को रिझाना शुरू कर दिया है और पूरब में ब्राह्मणों के साथ एक बड़ी बैठक करने की भी तैयारी चल रही है। हालांकि उधर अगर वेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने एकजुट होकर भाजपा को कड़ी टक्कर देने का मन बना लिया है। दलित प्लस ब्राह्मण बसपा और मुस्लिम प्लस जाट सपा और लोकदल, यानी कि सभी राजनीतिक संगठन जो है वो अपने अपने जातीय समीकरण बिठा करके क्षेत्र में उतरेंगे और इस समर में कूद करके अपनी अपनी जीत के वादे और दावे कर रहे हैं। बहरहाल 2022 के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि 2022 में किसकी जीत होती है। अपने सहयोगी रियासत अली के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सांसदों को संबोधित करते हुए नड्डा ने यूपी विधानसभा चुनाव को बेहद अहम बताया। इस दौरान उन्होंने सांसदों को विपक्ष के दुष्प्रचार से सचेत रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य के दशकों से जारी माफिया राज को खत्म किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी गहरी चोट की है। उन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष अब साजिश पर उतर आया है और संसद में चर्चा से भाग रहा है। नड्डा ने सांसदों को मॉनसून सत्र के बाद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान संसदीय क्षेत्र का एक भी गांव नदी छूटना चाहिए। यात्रा के दौरान सांसद खुली जीप में घूमे, टीकाकरण अभियान और कोरोना काल में शुरू की गई योजना को एक एक गांव में निगरानी करें, ये पता करें कि जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान के तहत अब इसी साल सभी लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य भी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जाएं। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना के टाइम में फर्स्ट वेव में ही
वहाँ घनी आबादी का प्रदेश के बावजूद जिस तरीके से वहाँ रोकथाम की गई फर्स्ट वेव में भी लोगों को बचाया गया उत्तर प्रदेश के लोगों को, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो विदेशों में भी नहीं हमारे देश में भी किसी और राज्य ने ये इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं किया। इतनी जल्दी इतनी घनी आबादी वाले प्रदेश में इतने कम केसेस थे फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में भी WHO के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की हेल्थ का मॉनिटरिंग हर देश में करती है उस तक ने भी योगी जी के यूपी मॉडल की तारीफ की कि वाकई में इतना बेहतरीन काम किया है इन्होंने कि हम उस मॉडल को पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऐसा किया है ताकि बाकी देशों को भी उदाहरण दिया जाए समझाया जाए ताकि वहां रोकथाम की जा सके कोरोना के केसेस। और यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने ये कहा, यहाँ तक कह दिया कि एक दिन के लिए आप अपना हिंदुस्तान अपना मुख्यमंत्री हमें उधार दे दें ताकि हमसे पूछे कि इतनी बड़ी घनी आबादी वाले प्रदेश कोरोना में नियंत्रण सेकेंड वेव में कैसे किया। तो ये एक ऐसा काम है जिसकी तारीफ देश विदेशों में हो रही है हमारे देश के काम की यूपी के मुख्यमंत्री की तारीफ, लेकिन सिर्फ विपक्ष पार्टी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम देशवासियों को कर रही है वो मैं इसलिए कह रही हूँ दावे इतने पुरजोर तरीके से क्योंकि कोरोना में भी उन्होंने लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं। फर्स्ट वेव में क्या किया ऑपोजिशन पार्टी से कांग्रेस हो सपा हो बसपा, हाँ ये भाजपा की वैक्सीन में हिम्मत लगवाना लगवाओ भी नपुंसक भी हो सकते हो मर भी सकते हो कुछ भी हो सकता है। ये जानने के बाद जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पहली वेव में वैक्सीन लगवाई उनके परिजनों अपने परिजनों को उन्होंने खोया और उसके बाद उनकी आंखें खुली और इतना दुख हुआ कि आज पानी पी पी के उन्हें कोसते हैं कि हमने इन जैसे नेताओं की बातें क्यों मानी। तो जनता समझ चुकी है कि ये लोग ऐसी गंदी राजनीति करने से भी परहेज नहीं करते कि अगर जनता की जान जा रही है लेकिन जनता की जान की उनको परवाह नहीं, उनको इस बात की जरूर परवाह है कैसे योगी जी और मोदी जी का नाम बर्बाद नाम खराब करें हम उनको सत्ता में ना आने दें क्योंकि वो तो इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जनता को दिखेगा भी कि वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो हम तो कभी भी नहीं आ पाएंगे। कभी ये बात सच है जनता को आप गुमराह कर रहे हो लेकिन अब हमने भी मोर्चा संभाल लिया कि हम जनता को आपके झूठ को जनता के सामने उजागर नहीं होने देंगे हम सच्चाई दिखाएंगे जनता को। आप झूठ दिखाते हो जनता को हम सच्चाई दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कर चुकी है उसी के अंतर्गत माननीय सांसद जो दिल्ली में इस समय सदन चलने के कारण सब लोग वहाँ है उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों की मीटिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संपन्न हो रही है और उनको एक काम दिया जा रहा है कि जो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाएं वहां टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा नहीं चल रहा उसकी देखें वहां की जनता को क्या क्या लाभ पहुंचा है वो देखें क्या नहीं पहुंचा है वो देखें सारी चीजों को क्योंकि 23 करोड़ जनता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कृत संकल्पित है कि पार्टी उनके लिए काम करेगी और उत्तर प्रदेश सरकार काम करेगी। स्वास्थ्य के विषय पर अगर हम आते हैं तो टीकाकरण इस समय उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल दर्जे पर कर चुका है और यहाँ पर टेस्ट ट्रैक और ट्रीट तीनों बहुत बढ़िया तरीके से किया गया। तो आज 23 करोड़ की जनसंख्या में सैकड़े में भी मरीज हमारे यहाँ नहीं मिल रहे हैं कोरोना के और छोटी सी जनसंख्या में देखिए थोड़ी सी लापरवाही बकरीद के समय बरत दी गई और आज जो है केरल की क्या स्थिति हो रही है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश को हमको करना है। हमने बहुत विकास के काम किए हमने हॉस्पिटल बनवा दिए सड़कों का जाल बिछा दिया और आज के दिन में उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में हम इन कामों को बताने के लिए इस तरीके से हमने काम किया जो आज विरोधी भ्रम फैला रहे हैं उनके भ्रम जाल को तोड़ने के लिए हमारे दल के सभी कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के तक हैं सब लोग एकदम जनता के बीच में रहेंगे और आने वाले दिनों में हम दिखेंगे कि हमने क्या किया है और क्या हमें आगे करना है ये भी बताएं। बैठक में सांसदों से कहा गया है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने का दायित्व लें। इसके लिए मॉनसून सत्र के बाद अपने अपने क्षेत्र में जुट जाएं और योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें। खास तौर पर टीकाकरण अभियान और कोरोना काल में मोदी और राज्य की ओर से शुरू की गई योजनाओं की निगरानी करें।
बता दें कल 3 क्षेत्रों के बाद आज बाकी बचे 3 क्षेत्रों के सांसदों के साथ बैठक होगी। इस बैठक में अवध, काशी और गोरखपुर के सांसद शिरकत करेंगे। बैठक में नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन, स्वतंत्र देव और सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। बैठक में सांसदों की राय और उनके क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं की भी जानकारी ली जाएगी। साथ ही सांसदों से फीडबैक भी लिया जाएगा। ये राज्यवार सांसदों की होने वाली रूटीन बैठक है और अब तक बिहार, झारखंड समेत उच्च राज्यों के सांसदों की बैठक हुई है। इसी क्रम में बुधवार और बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक चल रही है। बैठक में राज्य से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा होगी। बता दें, बैठक में शामिल होने के बाद योगी दिल्ली से बागपत का दौरा भी करेंगे। वहां जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ भी वहां वो बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इसी के साथ चार का चक्रव्यू में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।